वेल वी आर स्टडिंग द कोर्स लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड टॉपिक इज सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ अ स्टेट प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और वॉर और अब सेकेंडरी फंक्शंस के ऊपर हम हैं सेकेंडरी फंक्शन में जो पहला फंक्शन आ रहा है वो है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस अमंग द सिटीजन थ्रू लेजिस्लेशन इस सेशन में जो फोकस करने वाली बात है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो ये है कि गिविंग एवरी मैन वट इज ड्यू टू हिम एज पर लॉ तो स्टेट कानून के जरिए से ये काम करेगी जस्टिस एडमिनिस्टर करने का लेकिन कानून कैसे बनेगा यह एक सवाल है और इसके लिए कानून बनाने के अमल को लेजिस्लेशन कहा जाता है तो आइए लेजिस्लेशन को कुछ समझें। लेबर पॉलिसी पाकिस्तान हम पढ़ रहे हैं तो हमारे राइट्स जो हैं लेबर से रिलेटेड जो है उसकी लेजिस्लेशन होती है प्राइमरी लेवल के ऊपर और सेकेंडरी लेवल के ऊपर जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है या कोई प्रोविंशियल असेंबली लॉ बनाती है तो वो प्राइमरी लेजिस्लेशन है सेकेंडरी उस वक्त है कि जब एग्जेक्टिव को डेलीगेट पावर कर दी जाती है कि वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन करे तो उसको सेकेंडरी लेजिस्लेशन कहा जाता तो लेबर पॉलिसी इज वेरी मच रिलेटेड विद लॉ लॉज बनते हैं और लॉज एग्जिस्ट भी करते हैं तो कैसे आए हुए हैं पहले पॉलिसी है फिर लॉज बनते हैं लेजिस्लेचर लॉ बनाती है आम आदमी लॉ नहीं बना सकता तो डियर स्टूडेंट्स इथीमोलॉजी ऑफ द टर्म लेजिस्लेशन इथीमोलॉजी किसे कहते हैं कि ओरिजिन इसका कहां से है द टर्म लेजिस्लेशन हैज इट्स इथिमोलॉजी इन द फॉलोइंग टू लैटिन वर्ड्स लातीनी जुबान के दो लफ्ज हैं जिसमें इसकी इटीमोलॉजी है और दो लफ्ज क्या है लैजिस एंड लैटम लैजिस का मतलब है लॉ लैटम का मतलब है टू मेक डियर स्टूडेंट्स इस तरह ये जो लफ्ज लेजिस्लेशन है इसका मतलब ये हुआ टू मेक लॉ वट आर फिनोमिना व्हाट आर अंडरस्टैंडिंग तो लैजिस्लेशन होगी रूल बनेगा कोर्ट्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करेंगी और हर शख्स को उसका राइट कानून के मुताबिक मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स कानून की दुनिया में सबसे रेनाउंड जो डिक्शनरी है वो ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी है गार्नर्स ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी दिस डिक्शनरी इज अमेरिकन डिक्शनरी और इसमें बहुत सारे लफ्ज नए क्वाइन किए हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बयान किए गए हैं तो ब्लैक स्लो डिक्शनरी जो लेजिस्लेशन का लफ्ज है उसके क्या मानी देती है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और एनेक्टिंग अ पॉजिटिव लॉ इन रिटर्न फॉर्म पॉजिटिव लॉ इज मैन मेड लॉ तो वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैन मेड लॉज बनाए जाते हैं अनैक्टमेंट का मतलब है लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एटसेट्रा इन रिटर्न फॉर्म तो एक ये भी खूबी बताई है कि लेजिसलेशन जुबानी नहीं होती ये लिखकर होती है और इसको कोडिफिकेशन भी कहते हैं कोडिफाइड लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड लॉ कहलाता है जिसमें डेफिनेशन स्टैब्लिश की जाती हैं, जिसमें प्रियम्बल होता है जिसमें अनेबलिंग प्रोविजंस होती हैं जिसमें शेड्यूल्स होते हैं यहां पर एक और बात की जा रही है कि ये जो लेजिस्लेशन है फॉर्मल प्रोसीजर होता है इसका इसके लिए प्रोसीजर लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे लेजिसलेशन होगी बाय अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड टू परफॉर्म दिस प्रोसेस तो गवर्नमेंट की तीन इसमें बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं एक तो ये है कि ये इलेक्ट के आती है दूसरा ये है कि पार्लियामेंट में या प्रोविंशियल असेंबली में बैठती तीसरा लॉ मेकिंग करती है वैसे ऑर्गन्स ऑफ स्टेट जो है वो एग्जैक्टिव है लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे बड़ा लफ्ज जबरदस्त है पॉजिटिव लॉ इसका मतलब है मैन मेड लॉज दस द टर्म लेजिस्लेशन मींस द मेथड ऑफ मेकिंग और पासिंग अ मैन मेड लॉ इन ब्लैक एंड व्हाइट फ्रॉम अकॉर्डिंग टू सम टाइप ऑफ प्रॉपर सिस्टम ब्राया ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड टू परफॉर्म दिस प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स इसके साथ कुछ और फंक्शंस भी हैं जो स्टेट परफॉर्म करती है आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं तो स्टेट क्या करती है एस्टेब्लिशिंग अफेक्टिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू टैक्सेस इकट्ठे करती है टैक्सेशन के जरिए से और उसको फिर अपनी मर्जी से जहां पर इस्तेमाल करना होता है टैक्सेस से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वहाँ पर लगाती है लेबर वेलफेयर के काम होते हैं सोशल सर्विसेज के काम होते हैं डेवलपमेंट्स के काम होते हैं इदारे चलाए जाते हैं सोशल जस्टिस को मेंटेन करने की एक्टिविटी की जाती है ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है जो रिफ रफ रफियंस हैं उनकी मदद का काम किया जाता है तो इसके जो स्टेट का जो पर्पज़ है टैक्सेशन के ज़रिए से वो ये बनता है इसके बाद स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि इस्टेब्लिश करे इफेक्टिव ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इसके अलावा सप्लाई ऑफ वाटर फॉर ऑल परपजेज़ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल पर्पजेज साइंटिफिक रिसर्च भी करवाए इसके अलावा इस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस और आखिर में है establishment and maintenance of hospital i hope you have understood secondary function of state thank you